आपका क्वेश्चन है, इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म आर इक्वल टू ईच अदर। तो सबसे पहले इसने जो कहा वो हम करते हैं, इसने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, ठीक है, तो नेम कर दो ए बी एंड सी। नाउ इसने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मींस इसके दो साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। तो हमने क्या किया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो आपका क्या हो गया, लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इफ टू साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो दैट मींस ए सी का अपोजिट एंगल इज एंगल बी एंड ए बी का अपोजिट एंगल इज एंगल सी, दैट मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो आपका हो गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, नाउ हो गया, ठीक है। नाउ अब इसने क्या कहा, इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स, तो इसका जो बेस है इसको प्रोड्यूस कर देते हैं दोनों साइड में, तो हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया लाइकवाइज, इस साइड में प्रोड्यूस किया तो ये है आपका डी, और इस साइड में प्रोड्यूस किया तो ये है आपका ई। तो इसने कहा एक्सटीरियर एंगल्स, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है, प्रूव करना है, कर देंगे हम आराम से, कैसे है। नाउ सी दिस एक्सटीरियर एंगल, तो आपका क्या है, एंगल ए सी डी एक्सटीरियर एंगल, दैट इज योर ए सी डी, दिस वन इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, तो आपका आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी, दैट इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है, यह है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दैट इज योर क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो ये एंगल निकाल रहे हैं तो ये वाले एंगल को छोड़ देना है, वी विल नॉट काउंट दिस एंगल, और ये एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों का सम इज योर दिस एंगल। तो सेम चीज हमने लिखा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, दैट इज योर एंगल ए बी एंड ई, एक्सटीरियर एंगल दैट इज योर ए बी एंड ई, तो दिस इज इक्वल टू दिस टू एंगल्स, दैट इज एंगल ए एंड दिस एंगल, दैट इज योर सी, तो आपका क्या आगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए बी एंड ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन, ये हो गया आपका टू, बाय वन एंड टू
by 1 and 2, आप देखो, by 1 and 2 से आपका क्या आ गया, यहां देखो एंगल ए इज कॉमन दोनों में, तो आपका आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, तो है ना, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्योंकि बी एंड सी आर इक्वल, है ना, बाय दिस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज, आप लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों इक्वल हो गए, अभी सी की जगह पे हमने बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय दिस इक्वेशन, तो आपका आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारा किसका था, एंगल ए सी डी का, दैट इज इक्वल टू ए बी ई, एंगल ए बी ई, वी कैन राइट, हैंस प्रूफ, ठीक है।